हेलो स्टूडेंट, आप लोग कैसे हो? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग तो समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग 10th फिजिक्स का लेक्चर नंबर 2 आज इमेज के बारे में जानेंगे, और उसके बाद हम लोग इमेज मिरर कैसे फॉर्म होता है और मैनी टाइप्स ऑफ मिरर के बारे में जानेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहला चीज बेटा ये आता है दिमाग में, और जो लोग फर्स्ट लेक्चर नहीं देखो जाकर हमारा फर्स्ट लेक्चर देख लो, डिस्क्रिप्शन में हम लोग इसका लिंक दे देंगे। क्योंकि यदि फर्स्ट लेक्चर आप रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देख लिए हो, प्रकाश का परावर्तन, तो ये आपको ज्यादा समझ में आएगा। मैंने बोला ना कि मैं इंग्लिश में लिखा करूंगा, हिंदी बोल दिया करूंगा, हिंदी वाले बच्चे नोट्स लेके उसको नोट कर लो। क्या लिखा है प्रतिबिंब इमेज क्या होता है? तो क्या लिखा है, एट दैट पॉइंट वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट मीट्स आर अपेयर्स टू मेक आपका रिफ्लेक्शन। मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दर्पण से दर्पण के परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती या मिलते हुए प्रतीत होती हैं उसे प्रतिबिंब कहते हैं। मैंने क्या बोला, दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती या मिलते हुए प्रतीत होती है उसे प्रतिबिंब कहते हैं। यह अपना डेफिनेशन हो गया। फिर इमेज होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेज, एक होता है रियल इमेज और एक होता है वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज। रियल इमेज को हिंदी में वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं और इसको वर्चुअल इमेज को काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। तो क्या बोलोगे, अ रियल इमेज इज दैट इमेज वेयर द लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एक्चुअली मीट ईच अदर आफ्टर द रिफ्लेक्शन। मतलब इसका हिंदी क्या हो जाएगा कि दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। यहाँ पे दोनों किरणें परावर्तित दर्पण से टकराने के बाद दोनों किरणें आपके जिस बिंदु पर मिलते हैं उसे आप क्या बोलते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब बोलते हैं। और इमेजिनरी प्रतिबिंब क्या होता है, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम, ठीक है ना, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मी आफ्टर रिफ्लेक्शन, ठीक है ना। ये वर्डिंग थोड़ा सा हम लोग नहीं होगा, अ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू मी आफ्टर द रिफ्लेक्शन, मतलब दर्पण से परावर्तन के पश्चात परावर्तित किरणें जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं, मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं उसे काल्पनिक प्रतिबिंब बोलते हैं। जानते हो बेटा, आप लोग जानते होंगे, दो चीजें याद रखिएगा कि अपने पास अभी हम टाइप्स ऑफ मिरर पढ़ेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर। पहला तो मिरर क्या होता है बताओ अपना, एक होता है प्लेन मिरर होता है, क्या होता है प्लेन मिरर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बताओ, समतल दर्पण बोलेंगे। और एक होता है स्फेरिकल मिरर, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा, इसको बोलेंगे आप लोग गोलीय दर्पण। क्या बोलोगे, गोलीय दर्पण। अब ये दो टाइप्स होते हैं स्फेरिकल मिरर, एक होता है कॉनकैव मिरर, ठीक है, CAB, और एक होता है कॉनवेक्स मिरर। क्या होता है, कॉनवेक्स मिरर होता है। हिंदी में इसको क्या बोलोगे आप, अवतल बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, इसको उत्तल दर्पण बोलोगे। क्या बोलोगे, इसको क्या बोलते हो बेटा, समतल दर्पण बोलते हो। इसको क्या बोलते हो, गोलीय दर्पण बोलते हो। क्या बोलते हो, गोलीय दर्पण बोलते हैं। समझ में आ गया। तो अभी हम मिरर जब पढ़ेंगे बेटा, तो देखो ये प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉनवेक्स मिरर, तीनों का जो इमेज होता है इमेजिनरी होता है। तीनों ये जो मिरर्स है इमेजिनरी इमेज फॉर्म करते हैं, लेकिन रियल इमेज कौन बनाता है, रियल इमेज केवल कॉनकेव बनाता है। कॉनकेव, कौन सा मिरर, कॉनकेव, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, अवतल दर्पण। क्या बोलोगे, अवतल दर्पण। केवल क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। समतल, अवतल और उत्तल तीनों दर्पण काल्पनिक प्रतिबिंब बनाते हैं। अब बेटा एक चीज समझ लेना, एक चीज में बहुत क्लियरिटी आपको समझा लेना चाहता हूं। कभी भी जैसे मैं बात करूं आपको समझाने के लिए, तो इमेज फॉर्म भी ये तो आप समझ ही गए होंगे, इसको नोट ही कर लिए होंगे, इसको थोड़ा सा अभी मिटा देते हैं और चीजों को क्लियरिटी बनाने, और बातों को क्लियर करने के लिए हम लोग इसको क्या कर रहे हैं, मिटा दे रहे हैं, ठीक है, इरेज कर दे रहे हैं इमेज को, ठीक है।
अब देखो एक चीज देखो बेटा, मैं ये समझाना चाहता हूं कि जैसे कभी भी जब इमेज बनेगा, मान लो यहां पे एक मिरर है, मैंने यहां पे रख दिया, यहां से लाइट रे इसमें मैंने फोकस किया, तो ये क्या हो गया, ये कौन सा रे हो गया, ये क्या हो गया बेटा, इंसिडेंट रे हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे आपकी किरण, और दूसरा रे आप इसमें डालोगे, यस। अच्छा बताओ दोनों ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं मिलेगी, दोनों परावर्तित किरण आपस में मिलेगी नहीं मिलेगी, ऐसे मिलती हुई क्या होगी, रिलाइज होगी, और जहां पे मिलती हुई रिलाइज होगी अपीयरेंस टू मीट होगा वहां इमेजिनरी इमेज बनेगा। अच्छा देखो कौन सा दर्पण है बेटा, समतल दर्पण, तो हमेशा जो काल्पनिक पट बीम होता है जान दीजिएगा वो दर्पण के दूसरी तरफ बनता है, दर्पण के इन्वर्टेड होता है, ठीक है ना, ये दर्पण से सेम डिस्टेंस में होता है। मतलब मैं दो चीज समझाना चाहता हूं कि कभी भी जब इमेजिनरी जब इमेज बनेगा तो एकदम वो सीधा होगा, इरेक्ट होगा, क्या होगा, इरेक्ट होगा, इरेक्ट होगा, और क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा, और मिरर के देखो इस वाले पार्ट को हम बताया था अभी, रिफ्लेक्टिंग सर्फेस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, पॉलिश सर्फेस बोलते हैं, तो पॉलिश सर्फेस की ओर होगा हमेशा, कभी भी इमेजिनरी इमेज पॉलिश सर्फेस की ओर पॉइंट होता है, और क्या होता है, इरेक्टेड होता है, मतलब सीधा होता है, और जो रियल इमेज होता है हमेशा उल्टा फॉर्म होता है, क्या होता है, यदि इमेज मान लो अपना ऐसे ए बी होगा, मान लो इमेज ए बी होगा, तो ये जो अपना मिलेगा आपको, ये आपको क्या मिलेगा, ए डैश बी डैश इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा, ठीक है ना, और हमेशा ये क्या होगा, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर होगा, रियल इमेज कहां बनता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस की ओर, इमेजिनरी इमेज कहां बनता है, कहां बनता है बताओ, पॉलिश सरफेस की ओर, और ये हमेशा क्या होता है, इरेक्टेड होता है, और ये हमेशा इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, कौन सा होता है, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, तो ये चीज को अपने ध्यान रखना है। अब आते हैं हम आपको समझाते हैं क्या समझेंगे हम लोग, अब आते हैं और समझाते हैं कि कैसे क्या बनाना है। जैसा कि मैंने भी बताया स्टूडेंट हम लोग मिरर पढ़ने वाले, मिरर क्या होता है, मिरर आर मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास, मिरर जो बनता है वो हाई क्वालिटी ग्लास से बनता है, ग्लास देखो हम लोग नॉर्मल अपने यूज में जो घर में हम लोग क्या यूज करते हैं, मिरर, लेकिन उसको बोलते हैं कि ये क्या है, ये दर्पण है, ठीक है ना, हम लोग जो घर में यूज करते हैं उसको बोलते हैं शीशा, बोलते हैं ना, शीशा का मतलब ग्लास होता है, ठीक है ना, शीशा मतलब ऐसा होता है जिसमें क्या होना चाहिए, शीशा का मतलब जिसमें रे आर पार ट्रांसपेरेंट मीडियम होना चाहिए, तो देखो ध्यान देना बेटा, मिरर इज मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास, हाई क्वालिटी ग्लास से बनता है, इट्स वन साइड इज पॉलिश्ड, जिसका एक तरफ रंगा होता है किससे, सिल्वर एंड एल्यूमिनियम, सिल्वर आर एल्यूमिनियम से ये पॉलिश होता है, एंड अदर साइड रिफ्लेक्टिंग, जो दूसरा साइड होता है वो रिफ्लेक्टिंग होता है, ठीक है ना, तो अपने को समझना है कि ये मिरर क्या होता है, मिरर आर मेड ऑफ हाई क्वालिटी ग्लास, इट्स वन साइड आर पॉलिश्ड, और पॉलिश किससे होता है, सिल्वर आर एल्यूमिनियम से होता है, एंड अदर साइड आर रिफ्लेक्टिंग, मतलब दूसरा जो तरफ होता है मिरर का एक भाग होता है तो रिफ्लेक्टिंग होती है, जिसपे रे को हम जिसपे किरण को डालते हैं, और दूसरा पार्ट जो होता है वो पॉलिश्ड होता है, ठीक है ना, तो अब इसके बारे में हम लोग समझते हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, मिरर के दो प्रकार होते हैं, प्लेन मिरर जिसको समतल दर्पण बोलते हैं, दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर जिसे गोलीय दर्पण बोलते हैं। बेटा अभी हम लोग तो स्फेरिकल मिरर हम लोग लेक्चर थर्ड में देखेंगे, अभी हम प्लेन मिरर देखेंगे, क्या बोलोगे, प्लेन मिरर आर मेड ऑफ, ठीक है ना, इट्स वन साइड आर पॉलिश्ड एंड अदर साइड आर रिफ्लेक्टिंग, ठीक है ना, इट्स शेप इज स्टेट या पैरेलल, इसका जो शेप होता है क्या होता है, स्ट्रेट होता है, आर्क क्या होता है, पैरेलल होता है, ये चीज अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट तो नहीं है, इट इज स्ट्रेट लाइन शेप, इसका शेप कैसा होता है, इट इज अ स्ट्रेट, इट इज अ स्ट्रेट शेप, ऐसा शेप शेप, ठीक है ना, ये कैसा होता है, आपसे कोई पूछेगा समतल दर्पण, बोलोगे समतल दर्पण वह दर्पण है
जिसका एक भाग लगा हुआ होता है और दूसरा भाग क्या होता है, परावर्तक पृष्ठ होता है जिसपे किरण को डालते हैं, और इसका तल समतल होता है, गम्य समतल होता है, ठीक है ना। अब समतल दर्पण का डेफिनेशन हो गया। आज हम लोग बताएंगे कि समतल दर्पण से इमेज कैसे फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म फॉर अ प्लेन मिरर, क्या पड़ेगा, इमेज फॉर्म ऑफ प्लेन मिरर। हम लोग बेटा क्या पढ़ने वाले हैं, समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, क्या पढ़ने वाले हैं, इमेज फॉर्म फॉर इमेज फॉर्म फॉर अ प्लेन मिरर। तो बेटा जैसे मैंने आपको बता ही रहा हूं ये कोई प्लेन मिरर है, तो आपको पता होगा कि मिरर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है क्या पॉलिश पार्ट और एक रिफ्लेक्टिंग पार्ट। तो मान लो ये पॉलिश पार्ट है और मैंने कहीं पे यहाँ पे ऐसे कुछ एक हमने क्या ले लिया, एक हमें आपको समझाने के लिए मैंने बोल दिया एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट को आपको समझाने के लिए मैंने ये भी बोल दिया, और इसे हमने रे को एक रे को हमने क्या किया इंसिडेंट किया, तो बताओ बेटा रिफ्लेक्टेड भी यही होगा। अच्छा ये रे आपस में कहीं नहीं जाएगा, तो हम मान ले रहे हैं कि ये रे कुछ आगे इस तरह से जा, ठीक है। दूसरे रे को हमने यहाँ पे फोकस किया, तो आप जानते हो जितने एंगल पे होगा उतने एंगल पे इधर ये निकल जाएगा, ये इंसिडेंट भी हो गया और ये क्या हो गया रिफ्लेक्टेड भी हो गया। अब एक बात बताओ बेटा, ये जो रिफ्लेक्टेड रे आपका ये जा रहा है, ठीक है ना, ये बताओ ये दोनों रे आपस में, देखो ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये रिफ्लेक्टेड रे आपस में रियल में कहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको आगे हम ऐसे ले जाएं, ऐसे कुछ इस तरह से ले जाएं, तो ऐसा रिलाइज होगा ये आपस में कहीं यहाँ पे, आपस में कहीं यहाँ पे क्या होंगे, आपस में आप ऐसे मिलेंगे, और ये जहां मिलेंगे ना उसी को बेटा आप इमेज बोलोगे, क्या बोलोगे इमेज, और उसको ऐसे ले लोगे और यहाँ मिला दोगे, ठीक है। ये जो बनेगा इसको आप बोलोगे पीडेस, और ये जो बोलोगे उसको बनेगा क्या बोलोगे पीडेस, ये इमेज हो गया, देख रहे हो। तो इसमें रूल होता है बेटा, क्या होता है इस रूल में, यहाँ पे देखो इमेज क्या है, यहाँ पे इमेज इरेक्टेड है, इरेक्टेड है, और यहाँ पे जो इमेज बन रहा है वो क्या है इरेक्टेड है और वर्चुअल है, वर्चुअल मतलब काल्पनिक है, रियल में तो ऐसा हो नहीं रहा है, हमने कल्पना किया कि दोनों ये रिफ्लेक्टेड रे कहीं यहाँ पे जाके पॉइंट ए पे मीट करेंगे, लेकिन मिल तो रहे नहीं है, तो ये कौन सा रे है, ये इमेजिनरी रे है, ये इमेजिनरी रे है, और ये क्या है इरेक्टेड है, मतलब मैंने आपको बताया था कि कभी भी जब इमेजिनरी इमेज फॉर्म होता है तो क्या होता है इरेक्टेड होता है, इरेक्टेड मतलब सीधा बनता है, जैसे ऑब्जेक्ट होता है वैसे ही बनता है, और वर्चुअल का मतलब होता है काल्पनिक बनता है, और मैंने एक चीज बताया था कि ऑलवेज जो इमेजिनरी इमेज होता है ये वो पॉलिश सरफेस की ओर बनता है, कहाँ बनता है पॉलिश सरफेस की ओर बनता है। तो आप क्या बताओगे इट इमेज फॉर्म ऑफ वर्चुअल एंड इरेक्टेड, देखो ये वर्चुअल बन रहा है ना, ये काल्पनिक इमेज है ना, रियल में दोनों परावर्तित किरणें मिल नहीं रही है, मिला रहे हैं, तो कौन सा प्रतिबिंब हो जाएगा वर्चुअल मतलब काल्पनिक, इरेक्ट का मतलब हो गया सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट है वैसे ही बन रहा है, सीधा एकदम ऑब्जेक्ट बन रहा है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ बेटा, साइज ऑफ इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जितना बड़ा इमेज का साइज होगा उतना मतलब जितना ऑब्जेक्ट का साइज होगा उतना इमेज का साइज होगा, ऑब्जेक्ट और इमेज का दोनों साइज बराबर था, मतलब वस्तु की लंबाई और प्रतिबिंब की लंबाई दोनों आपस में बराबर होती है। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द मिरर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, मतलब जितना दूर प्रतिबिंब होता है मिरर से उतना जितना दूर पे वस्तु होती है उतना ही दूर पे प्रतिबिंब बनता है, जितनी दूरी पर दर्पण से वस्तु होती है उतनी ही दूरी पर दर्पण से प्रतिबिंब बनता है, ठीक है ना। फोर्थ नंबर क्या है, प्लेन मिरर फॉर्म इमेज बिहाइंड द मिरर, देखो जो प्लेन मिरर में जो इमेज फॉर्म होता है वो क्या होता है मिरर के बिहाइंड होता है, मतलब पॉलिश सरफेस की ओर होता है, इसीलिए इमेज क्या बनता है ये वर्चुअल इमेज बनता है। फिफ्थ पॉइंट क्या अपना, प्लेन मिरर इमेज लेफ्ट राइट साइड इन्वर्टेड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड, क्या हो जाएगा लेटरल इन्वर्टेड, मतलब क्या नहीं मतलब यहाँ पे जो इमेज बनेगा ना तो इसके क्या हो जाएगा एकदम अपोजिट, जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो इमेज इधर बनेगा, यदि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो इमेज राइट में बनेगा, ऑब्जेक्ट राइट में है तो इमेज लेफ्ट में बनेगा,
इसी को लेफ्ट राइट इमेज बोलते हैं या लैटरल इन्वर्टेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल इन्वर्टेड बोलते हैं। तो ये बेटा क्या हो गया, ये अपना इमेज फॉर्म हो गया। अभी देख सकते हो कि ये चीजों को आप हिंदी में भी नोट कर लेना, और आप देख सकते हो अभी मैं आपको समझा दे रहा हूं कुछ चीजें और अभी समझेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए आपको एक और डायग्राम बना रहे, हमेशा ये चीज याद रखना है आपने को। क्या याद रखना है कि कभी भी जब इमेज फॉन्ट होगा, ठीक है ना, कभी भी जब इमेज फॉन्ट होगा, जैसे देखो बेटा यहां पे मैं एक बात बोल रहा हूं, ये प्लेन मिरर है, कौन सा मिरर है ये जानते हो, पॉली सरफेस है। यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो आपको समझाने के लिए ये इंसिडेंट हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे हो, यहाँ पे एक और अपने को इमेज चाहिए, और ये क्या हो गया इंसिडेंट रे, ये हो गया इंसिडेंट रे, और ये भी हो गया इंसिडेंट रे, और ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये भी क्या हो गया रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अच्छा बताओ दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में कहीं पे मिलेंगे? नहीं मिलेंगे, लेकिन इनको आगे हम ऐसे बनाए कहीं, इनको आगे ऐसे बनाए तो ये पॉइंट आई पे मिलती है, ठीक है ना। तो हमेशा ये जो प्लेन मिरर से इमेज जो फॉर्म होता है वो क्या होता है, इरेक्टेड होता है, मतलब सीधा होता है, ऑब्जेक्ट के सीधा में होता है, ठीक है ना, इमेजिनरी होता है। और मिरर से जितना दूर का ऑब्जेक्ट होता है, मिरर से उतना दूर पे इमेज फॉर्म होता है, ठीक है ना। तो आप समझ गए कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से दर्पण जितनी दूरी पर होती है, वस्तु से दर्पण जितनी दूरी पर होती है, प्रतिबिंब से भी दर्पण उतनी दूरी पर होती है, दर्पण से भी प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु से दर्पण होता है, प्रतिबिंब उतनी ही दूरी पर बनती है, ठीक है ना। और समझ गया काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, सीधा बनता है, ठीक है ना। यदि लेफ्ट राइट लैटरल इन्वर्टेड क्या हो गया, लेफ्ट राइट लैटरल क्या हो जाएगा, इन्वर्टेड क्या हो जाएगा, यदि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में होगा तो इमेज राइट में बनेगा, राइट में होगा तो लेफ्ट में बनेगा, समझना आ गया होगा। और हम लोग आते हैं बेटा अभी थर्ड लेक्चर पे आएंगे और हम लोग पढ़ेंगे उसमें स्फेरिकल मिरर, और स्फेरिकल मिरर में कौन कौन कॉनकेव क्या होता है, कॉनवेक्स क्या होता है, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है।